इतनी देर हो गई और वो अब तक नहीं आए। कॉल भी नहीं किया, फोन उठाकर नंबर डायल करके हेलो कहने में कितना टाइम लगता है। आप ही ने कहा था ना कि आप इफ्तारी तक आ जाएंगे और आप अब तक आए नहीं हैं। कहाँ आप? अगर वो आना चाहते तो आ जाते, इनफैक्ट टाइम से पहले ही आ जाते। अगर आ नहीं सकते तो ऐसा कहा ही क्यों, कह देते कि मुझे लेट हो जाएगा। मैंने कौन सी जिद की थी आने के लिए? ये भी नहीं सोच रहे कि कोई घर पर उनका इंतजार कर रहा है, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है इस बात की। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सोने ही जा रही थी। देर हो चुकी है। हाँ देर हो चुकी है। मैं थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूँ, कुछ सोचना है। तुम सो जाओ। इतनी देर तक तो ये चमड़े के साथ नहीं हो सकते। मैं वहां पर अकेला नहीं था, जैमरे मेरे साथ थी। तो ये जैमरे के साथ ही थे। उसे बाहर जाना था और वो सोचने बैठ गई कि क्या भूल गई है वो। अच्छी बात है, बहुत खूब। मेरे अकेले रहने का मतलब था कि मैंने सोचा कि मैं आज एक बात और समझ चुका हूं। तुम्हारे आने से मैं कोई और बन गया हूं, एक नया अमीर जो बिल्कुल अलग है। जो हुआ उसके लिए मुझे तुम पर गुस्सा करने का कोई भी राइट नहीं है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। अब मैं लाइफ के उस पॉइंट पर आ चुका हूं कि किस सिचुएशन में क्या करना है वो मैं जानता हूं। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे कहना है कि तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मुझे पता तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, ठीक है। मैं वही करूंगा जो तुम्हें लगता है कि सही है। मैं हर वो चीज करूंगा ताकि तुम मायूस ना हो और तुम अपसेट ना हो जाओ। मेरे लिए जरूरी नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बस तुम शांति से रहो। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मेरी आंखों में देखो, मेरे करीब ही रहो ताकि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकूं, तुम्हारी खुशबू ले सकूं। मेरे लिए इतना ही काफी है।